टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रैक्शन। आज हम बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रैक्शन के बारे में, कि फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, फ्रैक्शन आया कैसे है। इसके लिए पहले हम देखते हैं कि हम एक लेते हैं पिज्जा। ये पिज्जा हमारे पास क्या एक है। अगर हम इसे पिज्जा को किसी दो व्यक्ति में बांटना है, मान लो दो भाई है राम एंड श्याम, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इस पिज्जा के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। इस पिज्जा को हम टू पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके दो पार्ट डिवाइड कर लिए हमने, लेकिन ये पार्ट्स कैसे होने चाहिए, एकदम दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल पार्ट होते हैं। कि दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इस इक्वल पार्ट को अगर हमें शो, इसमें से एक पार्ट को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, तो हम इसमें से लिखेंगे हमारे पास कितना पिज्जा था एक, हमने इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया, वन एंड टू पार्ट में। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, टू, क्योंकि हमने एक पिज्जा के कितने पार्ट किए, टू। अब इसी तरीके से यदि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल को हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कितने ट्राइंगल है, वन ट्राइंगल, और कितने पार्ट में डिवाइड किया, थ्री पार्ट में, तो इसे लिखेंगे वन बाई थ्री। अब इसमें हमारे पास ये क्या बन गया, वन बाई टू, वन बाई थ्री, ये बन गया फ्रैक्शन। इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास पहले एक पिज्जा था, अब उसे हमने टू पार्ट में डिवाइड करने पे उसका फ्रैक्शन बन गया वन बाई टू। ट्राइंगल का फ्रैक्शन करने पर क्या बन गया, तीन पार्ट डिवाइड करने पर वन बाई थ्री। अब इसमें जो वन पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो कहलाता है न्यूमरेटर, वो कहलाता है न्यूमरेटर, मतलब ये जो पूरा पार्ट है इसका, ये वन जो ऊपर लिखा है वो कहलाता है न्यूमरेटर। इसको जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया वो कहलाया डिनोमिनेटर। इसी तरीके से इसमें वन क्या है, न्यूमरेटर, एंड थ्री क्या है, डिनोमिनेटर। इसको अंश और हर। अब इसे इसी तरीके से यदि हमने हमें इसमें हमने इसके एक पार्ट को हमने क्या करा, एक पार्ट को हमने इसको शैडो कर दिया। तो एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने इसके कितने पार्ट किए थे, तीन पार्ट किए थे। अब शैडो कितने पार्ट किए, शैडो ओनली अपन ने वन पार्ट शैडो किया, तो उसे हमें लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर। तो इसमें जो वन पार्ट शैडो किया वो तो कहलाया न्यूमरेटर, और जो इसके तीन पार्ट कहलाए वो कहलाए डिनोमिनेटर, जो हमने इसके नीचे लिखे। इसी तरीके से यदि हम एक एग्जाम्पल वो लेते हैं कि वन बाय, इसको हमने किए इसके सर्कल के फोर पार्ट। अब इसमें से हमने में टू पार्ट क्या कर देते हैं, शैडो कर देते हैं। तो हमने इसे वन सर्कल के कितने पार्ट किए, फोर, तो कहलाए डिनोमिनेटर। फोर पार्ट किए हमने, शैडो कितने पार्ट किए, वन एंड टू पार्ट, वो आया ऊपर, न्यूमरेटर कहलाएगा। इस तरीके से ऊपर वाला कहलाता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 7.1 एक्सरसाइज पे। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें शैडो पार्ट दे रखे हैं, उन शैडो पार्ट को हम किस तरीके से फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे वो बताना हमें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बना हुआ है एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में इन्होंने कितने पार्ट्स किए हैं, वन टू थ्री फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो डिवाइड किया है उस पार्ट्स को हम लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर की जगह, और जितने पार्ट शेडो किए हैं वन और टू पार्ट, उसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर की जगह। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे टू बाई फोर। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, उसमें हम कितने रेक्टेंगुलर ले रखा है, उसके कितने पार्ट कर रखे हैं, नाइन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। शेडो कितने पार्ट को किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पार्ट को। तो वो शेडो वाला पार्ट ऊपर आएगा न्यूमरेटर की जगह, और जो पूरे भाग जिसमें पार्ट में डिवाइड करा वो डिनोमिनेटर की जगह आएगा। थर्ड क्वेश्चन में है, उसमें एक उसमें रेक्टेंगुलर में एट बॉल्स है, जिनमें से फोर बॉल्स को शेडो कर रखा है। तो इसको हो गया फोर बाई एट, फोर बाई एट। नेक्स्ट एक सर्किल है जिसमें से एक पार्ट को शेडो कर रखा है, तो उसका बन गया वन बाई फोर। ये हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, थ्री पार्ट शेडो है और बाकी पार्ट्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पार्ट। तो सेवन में से कितने शेडो किए हैं उन्होंने, थ्री पार्ट्स में। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइन फ्लावर्स दे रखे हैं और तीन फ्लावर्स को शेडो कर रखा है, तो उसकी बनेगी थ्री बाय नाइन। समझ में आ गया बच्चों? इस तरीके से हमें क्या करना है कि जितने शैडो पार्ट है वो हमें ऊपर लिखना है, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसे हम लिखना नीचे, जिसे हमें डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।